हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। और आ गए मैं एक और पबजी की ब्रांडेड न्यू गर्मा गर्म भाई तपती हुई हम वीडियो लेके आए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो हम जा रहे थे गोरे गोपाल, आई मीन टू से जॉर्ज पूल। और अगर आप में से कोई एक ऐसा शख्स है जो मेरी वीडियो देख रहा है जिसको मतलब स्केचेस, पेंटिंग्स, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, वो जाके प्लीज़ चेक इट आउट कर लें। बहुत अच्छे अच्छे स्केचेस बनाए हैं और बहुत अजीज़ दोस्त है मेरा, तो जाके उससे प्लीज़ एक बार मतलब प्रोफाइल देख लें। ठीक है, तो हम आज जा रहे हैं जरा जब बोला लाल जरा जब बोल पापा जी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग में से जो जो मेरा सब्सक्राइबर है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और प्लीज़ जाके सबसे पहले जाके ना आप लोग जाएं और मेरा डिस्क्रिप्शन खोलें, डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इन सब का आपको लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ जाके उन सबको फॉलो कर लें। मैं टिकटॉक पर भी डेली वीडियोज़ डालता हूँ और इंस्टा पर भी वीडियोज़ डालता हूँ, फेसबुक पर भी मेरी वीडियोज़ आती हैं। सो प्लीज़ 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 जाके वहाँ पर एक बार चेक कर लें। इस गेम पे भी बहुत प्यारा सा चिकन डिनर होने वाला है। और एक जगह आके मैं थोड़ा ना मतलब अभी तक लिटरली लिटरली मैं अभी तक सोच रहा हूँ कि मकसद वो मतलब क्या था, वो मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। मेरा अभी भी जहन में ये चीज़ चल रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मुझे आप लोग बताना कमेंट करके कि क्या ये पॉसिबल है या फिर नहीं है। ठीक है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। हम जा रहे थे जॉर्जो और हम अभी जा रहे थे अपनी सल्तनत पे, जो कि मुझे सबसे अच्छा कंटेनर यही लगता है, जो कि यहाँ कुछ भी हो यहाँ गन मिल जाती है। मैं जा रहा था, मेरे पीछे ही एक और आ रहा था। अच्छी बात है, मुझे जाती एस के एस दिख गए और उसने भी शायद देख ली कि मेरे पास हाथ में गन है, तो भी टक करके भाग के नीचे से चले गया। और फिर वो मतलब बैठ के क्रॉल कर करके आहिस्ता आहिस्ता कर करके बिल्कुल कोने से निकल के वेयर हाउस की तरफ आ गया। लेकिन वो वेयर हाउस में जा नहीं सकता क्योंकि पहले वहाँ दो बंदे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ मुझे धोखा ये हुआ कि ये जो जा रहा है मुझे लगा यही वो बंदा है, लेकिन फिर ये मतलब यहाँ पे आके मुझे लगा नहीं, ये भाई ये तो बॉट है, वो बंदा अभी भी जिंदा है और ना उसकी ड्रेस ऐसे है। तो पहले तो हमने इसको मारा और फिर मतलब इस बंदे को ना मतलब जब मैं बिल्कुल शुरू शुरू में था ना, बहुत सारा न्यू प्लेयर था, बहुत ज़्यादा, तो जब मेरे साथ ऐसे होता था कि बंदे मुझे ऐसे आके मारते थे, कोई गनी नहीं होती थी, वो मुझे टक टक करके मार भी देते। ठीक है, हमने मारा, लूट पूट अच्छी खासी मिल गई, थर्ड लेवल का हेलमेट आ गया था मेरे पास। जहाँ पे दो बंदे पहले थे वही वाले, उनमें से फाइट हो रही थी और उनमें से एक जीत गया, लेकिन अब उसकी फाइट थी मेरे से, मतलब ये ना ये वो चल रहा था, वो क्या कहते हैं जो 3 मैच होते हैं, नॉकआउट सीरीज, ये नॉकआउट सीरीज थी। वो दो में से जो जीतेगा मुझसे लड़ेगा, थर्ड लेवल वाले से। M4 थी उसके पास, बस मसला ये था कि उस पर जो हेलमेट और वेस्ट ना काफ़ी डैमेज था पहले से ही, तो मैं तो उसकी मतलब एज जहाँ वो हल्का सा मुंह दिखा रहा था, बॉडी दिख रही थी, मैं उसको फायर दे रहा था, लेकिन किस्मत उसकी वो बच रहा था। मतलब मैं भी थोड़ा सा डर रहा था कि क्या पता मुझे मार दे। अक्सर मैं यकीन करो सिर्फ और सिर्फ इस तरह ही मारा हूँ कि मुझे किसी ऐसी ने मार दिया है, मतलब उसकी पिंग अच्छी है, मेरी गोलियाँ उसको टच भी नहीं होती और मैं जब तक मर भी जाता हूँ। ठीक है, ऐसे तो ये बंदा आगे आया और फिर इसने दोबारा पीछे भेज दिया। तुर्की था इसलिए मैं पीछे हट रहा था, इसलिए मुझे देखो एक गोली M4 की मारी और मेरी हेल्थ मतलब 20% डाउन हो चुकी है। मैंने यहाँ से M4 उठा ली और Kar-92 उठा लूँगा, अभी नहीं पर अब उठा लूँगा। उसके बाद भाईजान, मेरे अजीज अकारिब भाईजान, अब एक कल यार, एक सॉरी थोड़ा सा लंबा हुआ जा रहा है। हाँ आ गया। ठीक है, मैं फिर आगे जा रहा था तो मुझे एक बंदे की चलने की आवाज़ आ रही थी, मैंने इस कंट्रोल पर चेक किया, फिर अगले पे चेक किया, उस बेचारे को किस देखो मतलब मेरे गेहूँ फिर मुझे मार रहा है, ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कैसे हो सकता है। बेसिकली यहाँ पे मेरा आने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि मुझे फ्लेयर चाहिए, पता नहीं क्यों ये मुझे भी नहीं पता। ठीक है, बहुत अच्छा खेल रहा था लेकिन पीक पे हल्की सी मार खाई और फिर गया। यहाँ मुझे खुद नहीं पता कि मतलब मैंने पता नहीं क्या दबाया था ऐसा, मैं अभी भी याद कर रहा हूँ, मैं पता नहीं क्या लेटना चाह रहा था, बैठना चाह रहा था, जंप मारना चाह रहा था, मुझसे एक्स दब गया और फिर मेली वेपन खुल गया मेरे पे। फिर हमने की इन सब की लूट, मुझे लिटरली अब तो याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने जब गेम प्ले हो रहा था ना, जब ये सीन हुआ था तो मैंने ये डिसाइड किया था कि आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग भी हंस जाओगे कि किस बात पे मैंने किया था, लेकिन यकीन करो मुझे वाकई अभी याद नहीं आ रहा कि मैं क्यों लेटा था, क्या हुआ था, असेंबली में लेटा था। बहरहाल
फिर हम लूट करने लग गए तो हमें स्प्रे आया जॉर्जबुल सिटी, जो वाटर के बराबर में, तो दरिया को क्रॉस करके जो है, इतने देर में एक पारा था प्लेयर, प्रोवेस्ट प्लेयर इन द पबजी मोबाइल, ही इज एंड आई नॉक्ड हिम, आई किल हिम बाय कार 92 हेडशॉट्स बिकॉज ही वेयर थर्ड लेवल हेलमेट। इंग्लिश नहीं आती, बहुत सारी कमज़ोर है, मतलब ना डॉक्टर ने पैदा होते बोला था कि आपका बेटा इंग्लिश में बहुत कमज़ोर है, इसका ख्याल रखिएगा। ठीक है, फिर फेलियर थी मेरे पास, तो मैंने बोला स्क्वाड आउट चलाएंगे, लेकिन स्क्वाड आउट से तो अभी भी चली गया था। फिर मैं आगे जा रहा था, अब आप बताना ये कैसे हो सकता है, ऐसे मतलब पॉसिबल है तो कैसे है? ठीक है, अगर लॉबी में अनोनिमस भाई होते ना तो मैं मान लेता भाई हो सकता है, पर वैसे नहीं मानता क्योंकि अनोनिमस था नहीं। मैं जा रहा था और ये भाई, व्हाट, ऐसा कैसे हो सकता है कि बंदे इसे फिर भी दो दिए, मतलब इसका साइन नहीं आया क्या, मतलब तुक्के पे गन गोली तो खैर, पर ये तुक्का नहीं था जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, ये हैकर था, क्योंकि मैंने जो वीडियो कट की है ना उसमें भी इसने मुझे बहुत अच्छा शॉट दिया, और आगे भी आप देखोगे कि कैसे हुआ इसका शॉट। या तो ये बहुत अच्छा प्लेयर था, मतलब एथिना गेमिंग की तरह ये बहुत अच्छा था, एथिना की तरह ना बहुत अच्छा प्लेयर था जब वो बैन हो गया, ठीक है, और ये उस जैसा था जब भी, मतलब बंदा प्रो हो जाए, प्रोएस्ट हो जाए, लेकिन बंदा फिर भी थोड़ा सा ऐसे रहे कि मर जाए इस तरह के नूब लगे वो, क्योंकि ज़्यादा अच्छा खेलने वाले अक्सर बैन हो जाते हैं। ठीक है, तो हम जा रहे थे अब फ्लेयर्स पे, और मैंने डिसाइड किया था कि बंदे कम रह गए सर्कल में, तो मैं ज़्यादा फ्लेयर्स के मतलब फ्लेयर के मुंह पे ना आऊँ, मैं यहाँ पे आया, क्योंकि पहाड़ी से ऊपर है तो मतलब फ्लेयर जल्दी नीचे आएगी। हम आए और हमने फिर फास्ट फास्ट हमारी फास्ट फ्लेयर की जो सर्विस है हमने उसको बुलाया, ये देखिए अभी नहीं आई, क्योंकि एक गाड़ी आ गई थी पीछे पत्थरों पे, और देखा जो मैंने कहा था ना ये जोन छोटा है, बंदे ज़्यादा बंदे कम आए हुए हैं, ये मसला है, क्योंकि फ्लेयर पे बंदे फिर जरूर आएंगे, और ये बंदा यकीन करो बहुत अच्छा था। और आप लोग ऐसे बोलोगे ना कि भाई इसकी और एनोनिमस की फ़ाइट होगी तो कौन जीतेगा, मैं बोलूँगा एनोनिमस, लेकिन अगर अब बोलोगे ना कि जिस बंदे को मैं ये मारूंगा इसकी और एनोनिमस की फ़ाइट होगी तो कौन जीतेगा, मैं कहूँगा मुझे नहीं पता, जवाब आ गया कि खुद देखना कैसे। तो उसकी किसी से जैसी फाइट हुई तो मुझे एक मौका मिल गया, क्योंकि वो जाएगा लूट करेगा डिसाइड करेगा फिर वापस आएगा, इतनी देर में मैं अपना मतलब जो ड्रॉप है उसको ले लूँ ताकि दुख ना हो बाद में, या ड्रॉप भी उसने ले लिया, मार भी किल भी वो ले लिया, पर किल तो वो ले गया था। अब यहाँ पे उसकी मुझे उसको लोकेशन नहीं पता मेरी, लेकिन मैं उसको साफ साफ देख सकता हूँ, क्योंकि मैं रिच पे आ गया था, और वो ऐसा था कि रिच थोड़ा सा ऊपर था तो मुझे मतलब सामने का सब कुछ दिख रहा था। फिर हमने बूस्ट वूस्ट खेल लिया ताकि अगर फाइट वाइट हो तो कुछ बच बुझ जाए हम, और मैं यहाँ पे ना बहुत कंफ्यूज हो रहा था अभी, तो मतलब रिलैक्स ना कि आप लोग बोल रहे हाँ भाई बिल्कुल हाँ ऐसे ही होता है, जब नहीं पता था ऐसा कुछ होगा, जब बस जो आ रहा था वो मैं कर रहा था, तो वो बंदे को पता नहीं क्या हुआ, सब्र नहीं था उसमें, देखो वो आगे फाइट करने मेरे पास सिक्स था, मैंने बोला ऐसे कैसे, ये देखो इस बंदे ने सिर्फ मुझे देखा था, ये बहुत अच्छा खेल रहा था, इसने सिर्फ मुझे देखा था, और कितनी मेरी एचपी मतलब 45-30 ऑलमोस्ट ने मेरी डाउन कर दी, मतलब ये बहुत अच्छा प्लेयर था वाकई भाई। तो हमने स्किल लूट की, अब मसला यहाँ पे ऐसे हो चुका है, अगर आप कोई पुराने गेमर है ना मेरी तरह, मतलब मैं तो गेमर नहीं आप लोगों के गेमर पुराने गेमर जो है उनको याद होगा जो IJ1 का जो पांचवा मिशन था ना, ओ माई गॉड, वो उसमें ये था कि हमको टॉप कवर दिया जाता था एक, मतलब बिल्कुल टॉप पे हमको बिठा दिया जाता था स्नाइपर दे के, स्नाइपर बहुत प्यारी थी वो, ड्रैगनो नाम था उसका, स्नाइपर दे के, और बोला कि आप बंदे मारो, तो मेरी ये थी कि पीछे जोन देख लो मैप में कि जोन कहाँ है मैं कहाँ हूँ, तो मतलब ये तो कोई हो ही नहीं सकता कैसे कैसे। फिलहाल मुझे ये लग रहा था कि स्क्वाड हाउस में बंदा है, उसकी किसी से फाइट होगी, मैं फिर चांस लूँगा एंगल एंगल देख के, लेकिन हुआ ये कि स्क्वाड हाउस में कोई भी नहीं था, स्क्वाड हाउस खाली था, और फिर ये जो बंदा है वैसे एक देखो उसने मुझे एक स्नाइपर का शॉट दिया है, ऐसे ये बहुत मुश्किल होता है कि आप इतने बड़े हरियाली की जगह पे एक टॉप चीज़ देख के ना बंदे को आप मारो। ये बंदा जा रहा था, मैं इस पर लेता, लेकिन फिर पत्ते आ गए तो मैंने बोला चलो छोड़ो, वो बंदा बिल्कुल एज से मार रहा है, और फिर जब मैंने अब देखा एक फनी सीन
जब एक शॉट मैंने दिया, वो शॉट भले उसको ही लगा लेकिन अब वो मुंह नहीं दिखाएगा अपना जैसे उसको पता चला नहीं हम, इसने मुंह नहीं दिखाया अपना। और अब आगे कौन वाला है, 1v1 क्लच, मतलब जो सैंडविच किया था ना यार, सैंडविच हो गया फिर मर गया, अलहमदुल्ला सैंडविच से मैं पास हुआ। वो कैसे, क्योंकि जोन अब आ गया गया था। अब जाहिर बात है कवर छोड़ना पड़ा मुझे, मतलब बहुत प्यारी लोकेशन थी, मतलब कोई कैसे मार सकता है मुझे यहाँ पे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा दूसरा। ठीक है, तो हम जा रहे थे हम नीचे, और अक्सर ना नीचे में जब जा रहा होता हूँ तो मैं इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखता हूँ कि यार मैं मर ना जाऊँ, क्योंकि यकीन करो मैं बंदों से ज़्यादा ना किसी ऊंची हाइट से गिर के, बाइक से, बग्गी से गिर विर के ऐसे मरा हूँ मैं, यकीन करो। तो फिर हम आगे दरख्त की कब्र पे, या प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर देना अगर नहीं, चलो लाइक नहीं करो तुम लोग लाइक नहीं करना, अभी जो तुम आगे देखोगे ना तुम लोग फिर लाइक करना कि मैंने कैसे निकाला अपने आप को, 0.001% अलाइव में से मैंने कैसे निकाला। अब ये पता नहीं किसको मारे थे, क्योंकि 3 बंदे बचे थे, मुझे परवाह नहीं थी, अब ये जाए बाहर के अंदर। ठीक है, मुझे सिर्फ अब ये देखना कि इनमें से 2 कब होंगे फिर मैं मारूँ, क्योंकि मुझे एक लोकेशन पता है कि एक सामने स्क्वाड है उसमें और एक पीछे, जो कि एक बहुत बड़ी गलत फैमिली थी मेरी, बहुत बड़ी, क्योंकि मुझे लगा कि वो इस साइड पर होगा, इन 2 दरख्तों के आगे पीछे होगा, क्योंकि वो भागता हुआ देखा था मैंने। लेकिन भाई वो बहुत तेज़ था, वो तेज़ कैसे था, मैं जोन में हूँ, बहुत अच्छी बात। ठीक है, और इट वॉज अ गुड डिसीजन, ये बहुत अच्छा डिसीजन था कि मैं इस दरख्त पर आया। पीछे से उसने एकम का स्प्रे दिया, अब जब मैं यहाँ आ गया तो पीछे से उसका स्प्रे आ रहा, तो मैं ये हो गया हूँ कि क्या हो रहा है ये, मतलब मैं किसको मारूँ। फिर हिम्मत हिम्मत करके मैंने करके, भाई जो इसको मैंने मारा है ना, मैं खुशी से पागल हो गया, मेरा चिकन लेवर यही हो गया। अब लाइक ठोको, ठीक है, अब लाइक ठोको, क्योंकि अब बनता है, बंदे की मेहनत है। अब यहाँ पे मेरी बेवकूफ़ी ये है कि ऐसे मैं सो नहीं रहा था, जब से मैं ना सो नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है बहरहाल कि एक हल्की सी एज पर हल जो तुक्का लग गया। ये गेम प्ले तो खैर मेरा था। ठीक है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।